हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मी रुखसार खान एंड आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। हो चुकी है और पारो आंटी भी टाइम से आ चुकी हैं, तो वो अपना सफाई कर रही है और मेरे बेटा उनको देखते हुए एंजॉय कर रहा है। तो मम्मी यहाँ पे पता नहीं क्या नाश्ते की तैयारी करनी थी और मेरा टाइम हो गया था नारियल पानी पीने का। और हम चक्की से पिसवाते हैं, जिसमें आटे में चना, बाजरा, गेहूं सब मिक्स करके एक मल्टीग्रेन आटा तैयार होता है। सो अब मैं नारियल पानी इंजॉय कर लेती हूँ। सुबह सुबह खाली पेट नारियल पानी पीना बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, बालों के लिए। सो अभी यहाँ पे सो चुका है और मेरे पास एक घंटा है। मेरी फ्रेंड का कॉल आया था कि हमें बाहर जाना है, तो चलिए जब तक मेरा बेटा सो रहा है तो मैं तैयार हो जाती हूँ। मेरा नहाना सुबह हो ही चुका था, तो मैं पहले से ही सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर चुकी थी। तो अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एल्फ का प्राइमर। अब मैं इसको सेट होने दूँगी और उसके 5 मिनट बाद मैंने यूज़ किया फॉरएवर का फाउंडेशन। मैं फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए मोस्टली अपनी फिंगर्स का ही यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत कम आदत है स्पॉन्ज या ब्रशेस को यूज़ करने की, लेकिन अगर मुझे जल्दी जल्दी जाना हो और अप्लाई करना हो फाउंडेशन, तो मैं हमेशा फिंगर्स का ही यूज़ करती हूँ। काफ़ी थोड़ा सा ओवर लग रहा है फेस पे फाउंडेशन ब्रश, लेकिन यह भी अपने आप थोड़ी देर में सेट हो जाएगा। अब मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर का ही ब्लशर। ये क्रीमी ब्लशर है और काफ़ी लगाते वक्त काफ़ी ज़्यादा लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा अप्लाई कर लिया है फेस पर, बट ये अपने आप ही थोड़ा सेट हो जाएगा और थोड़ा फेड आउट हो जाता है, तो फिर एक नेचुरल लुक आता है कुछ टाइम बाद, जो मुझे काफ़ी पसंद है। अप्लाई करते वक्त ऐसा लगता है जैसे हमने कितना ओवर लगा लिया है, बट अभी मैं इसके ऊपर यूज़ करूँगी ट्रांसलूसेंट पाउडर, क्योंकि बाहर एकदम ह्यूमिडिटी वाला मौसम हो रहा है, मानसून का टाइम है, तो स्किन में से बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, एक्सेस ऑयल आता है, पसीने आते हैं, स्वेटिंग होती है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ट्रांसलूसेंट पाउडर, जो हमारी स्वेटिंग को भी कंट्रोल करता है और हमारे स्किन को एक स्मूथ और एक हमारे मेकअप को सेट कर देता है। मैं ज़्यादा कोई मेकअप करने वाली नहीं हूँ, ना ही काजल, मस्कारा कुछ नहीं लगाऊंगी, बस जल्दी जल्दी थोड़ा सा हल्का सा टचअप किया है और जो भी मैंने एक्सेस ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ किया था उसको मैं थोड़ा फेड आउट कर दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ओवर लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे एक नेचुरल स्किन टोन का ही एक नेचुरल ग्लो पसंद है। सो अभी भी उठ चुका था और ये रो रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसे गोद में लेके ही जल्दी जल्दी थोड़ा सा टचअप कर लेते हैं जो भी बाकी बचा है। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ नायका की न्यूड लिपस्टिक, जो मेरी काफ़ी फेवरेट शेड है। बच्चों को तैयार करना बहुत इजी होता है और मैंने जल्दी से इसको कपड़े पहनाए, यहाँ से इसके शूज़ निकाले और बस टेंटन अबीर तैयार है। सो अबीर को तैयार करने के बाद हम निकल चुके हैं बाहर, हमने किया ऑटो और हम जा रहे हैं आई डोंट नो दिल्ली हाट या मॉल, वो हम डिसाइड करेंगे ऑटो में बैठ के मेरी फ्रेंड के साथ। सो जैसा कि हमने डिसाइड किया हम चलेंगे दिल्ली हाट, तो अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली हाट। ये है बैक साइड एंट्री, ऑटो वाले भैया को हमने दिए पैसे और अब हम ले रहे हैं एंट्री। सो ये मेरी फ्रेंड थी पीछे और अब ये है बैक साइड से एंट्री। सो ये है वॉल पर ब्यूटीफुल पेंटिंग और साइड में है हैंडमेड पेंटिंग्स और कपड़े की शॉप्स वगैरह। इस अराउंड में यहाँ पे अब 7-8 साल पहले आई थी कॉलेज टाइम में, 2-3 बार ऑलरेडी आ चुकी थी, वो वाली क्लिप मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और अब मैं आई अपने बच्चे के साथ और ये नेकलेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सिल्वर ज्वेलरी मिल जाएगी और डेकोरेशन का सामान और हैंडबैग्स बहुत ही खूबसूरत थे, मेरा तो मन करता हर चीज़ देख के ख़रीद लूँ। और यहाँ पे मैं देख रही थी अपने लिए एक बैग, अगर कोई मुझे बैग अच्छा लगता तो मैं ले लेती, बट मुझे ये रेड वाला काफ़ी अच्छा लगा था बट मैंने पता नहीं क्यों नहीं लिया। और दूसरी शॉप पे मुझे मिला होम डेकोर आइटम्स, बट मैं अभी लेना नहीं चाहती थी, मेरी फ्रेंड्स को बहुत पसंद है तो वो देख रही थी और मैं यहाँ पे एक छोटी सी अपने बच्चे के साथ क्लिप ले रही थी। और यहीं पे दिखा मुझे ग्रैमोफोन, जो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव और खूबसूरत लग रहा था। और उसी के साइड शॉप से मैंने ख़रीदे कुछ एयरिंग्स जो मुझे काफ़ी पसंद आए। फिर मैंने नेक्स्ट शॉप से ख़रीदा एक कॉटन का कुर्ता, चिकनकारी कुर्ता, जो मुझे काफ़ी खूबसूरत लगे थे, बट मैंने यहाँ से अपने बेटे के लिए ख़रीदा था। और अब बच्चों को लग रही थी भूख, तो हमने सोचा एक मसाला डोसा ले लेते हैं, तो मेरी फ्रेंड वही ऑर्डर कर रही थी। तो पेट पूजा होने के बाद अब हम चले आगे नेक्स्ट शॉप पर कि क्या क्या वैरायटी है दिल्ली हाट में देखने के लिए। तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ वैरायटी देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि कपड़े, जूते, सिल्वर ज्वेलरीज, एंटीक आइटम, डेकोरेटिव आइटम्स, डेकोरेशन का सामान और भी बहुत सारी चीज़ें।
मैंने यहाँ पे ट्राई किया ऑक्सीडाइज नोज रिंग, मुझे ब्लू कलर मेरा फेवरेट है तो मैंने ट्राई किया, पता नहीं मुझ पर कैसा लगेगा। ये था मेरा क्लोजअप, आई डोंट नो कैसा लग रहा है बट मिरर में देखने से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था जितना दूर से देख रही थी। मैं बहुत कंफ्यूज थी और इसलिए मैंने नोज रिंग नहीं लिया। और आगे चलते हुए हमने देखा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में जूट बैग्स, क्योंकि मेरी फ्रेंड को लेना था तो हम आगे चलते चलते एंड तक आ चुके थे दिल्ली हार्ट शॉप के। तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी मिली थी जूट बैग्स की, और साइड बाय साइड हमें बहुत ही क्यूट से मैट भी दिखे जिसमें पांडा बॉल इस तरह। गाइस आपके लिए एक टास्क है कि कौन कौन जानता है इस सिस्टम को क्या कहते हैं, तो देखते हैं कितने लोगों को इसकी नॉलेज है। तो ये है एक छोटा सा स्टेज, यहाँ पे शाम के वक्त बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं। अब हम जा रहे हैं घर और मिला थोड़ा सा ट्रैफिक। सो अब मैं पहुँच चुकी हूँ घर, और जो मैंने ख़रीदा था वो ये एक था कुर्ता, कुर्ता नहीं कहेंगे इसको, अनारकली फ्रॉक ही कहेंगे। सो वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा चलो क्यों ना लखनवी अनारकली फ्रॉक ट्राई करते हैं। और ये एक सेकेंड था, थोड़ा इंडियन वेस्टर्न स्टाइल का ड्रेस थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। इसमें एक येलो स्टोन में कलर था और एक ग्रे स्टोन में कलर था, तो मैंने ग्रे वाला लिया था। ये था एक ब्लैक कुर्ता शॉर्ट, और ये मैंने मम्मी के लिया था एक सूट जो मम्मी को अच्छा लगेगा, ठीक है वरना मैं ले लूँगी, बट मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, वो मम्मी के लिए ही है। और ये है एक मेरे बेटे के लिए कुर्ता, और मैंने कुछ ख़रीदे थे एयररिंग्स वो ये वाले थे। सो गाइज मैं आगे वीडियोज़ बनाती रहूँ, और आपको अगर मेरी वीडियोज़ में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।